हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मैं फाइनली यहाँ पे ललबाजोल लक्ष्मीपुर यहाँ पे हाई स्कूल है वहाँ पे मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे हमारे मुखिया प्रमोद सर कुछ यहाँ पे बच्चों सबको स्पीच और मोटिवेशन देने के लिए आए हैं, और इन लोग का 10th का एग्जाम जो चल रहा है, इन लोग का लास्ट है, और इन लोग का 15-17 फरवरी से इन लोग का एग्जाम है मैट्रिक का। और इसी को बधाई देते हुए हमारे प्रमोद सर कुछ मतलब कि मोटिवेशन दे रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये बढ़ार हुआ स्कूल है, और यहाँ से देख सकते हैं वो ग्राउंड है, वहाँ पे शिक्षक टीचर सब है, और मैं आप लोग को वीडियो में दिखाने की कोशिश कर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा से ही उनको अच्छा मिला। एक ज्ञान होता है ना, ज्ञान से उनको अच्छा प्रकाश मिल गया। तब से कालिदास का देखिए महागुरु था, जो अभी इतिहास में संस्कृत में उसको बहुत बड़ा ज्ञानी माना गया। आप सभी से अनुरोध है, आप लोग अपने अपने भविष्य के प्रति लगातार जागरूक रहे। देखो बाबू, हाँ बड़े एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहीं से पढ़ा हुआ बच्चे हम देख रहे हैं, बीएसएफ में एसएसबी में अभी सिलेक्शन हुआ है। इस बार नए जो रिजल्ट हुआ उसमें आप सबों से अनुरोध है, जितने भी नए बच्चे हैं आप लोग अपने भविष्य को चमकाइए, ठीक है ना। डेली कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है सरकारी नौकरी का, आप लोग अच्छे नंबर लाइएगा, अच्छे आप क्वालिटी बिल्डअप कीजिए, अच्छे मतलब की झटका रहिएगा, कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा तो आपको 100% उसमें सिलेक्शन मिलेगा। बहुत बच्चे क्या है, सरकार को दोष देते हैं, माँ बाप को दोष देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा कोशिश कीजिए, पूरे दिलो दिमाग से 100% आपकी सफलता आपके चरणों में आएगा। समझ गए, और किसी को कोई समस्या? हाँ, रही बात हम मैं आप लोग मैट्रिक के हैं, जा रहे एग्जाम देने, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आप जो भी लिखे स्वस्थ लिखे, साफ सुथरा लिखे, और पूरे अपने दिमाग लगा के लिखे। आर्मी से रिटायर हुए, और आर्मी से रिटायर होने से पहले क्या किया जाता है, तो एक आप जितने भी बच्चे हैं लड़कियां हैं और आज आप आ रही मेरे नजर, क्यों? क्योंकि 9 महीना का ट्रेनिंग आर्मी की दी जाती है, बताया ना, तो 9 महीना का ट्रेनिंग आप लोग कर चुके हैं। बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए आप लोग हर प्रशिक्षण दी गई है, कैसे कब कौन सा बंदूक का प्रयोग करना है, गणित मैथ संस्कृत जो भी है, हिंदी है इंग्लिश है, ठीक है ना। तो 9 महीना में आपको हर पेज का बार्जिनिंग से पढ़ाई कराई गई है। हमारे जो टीचर आए हुए हैं इस स्कूल में आके आप लोग को समय दिए, ठीक है ना। तो आप लोग को हर पेज या हर गन फौजी का ये जो होता है ट्रेनिंग, कैसे कब किस पोजीशन में फायर करना है, उसी तरह आप लोग को किताब में पढ़ाई गई चीज कॉपी में कैसे उतारना है हर तैयारी करा चुकी गई है। इसको अब आप लोग को फाइनली जो है एग्जाम जो अगला मंथ फरवरी में हो या मार्च में हो, फरवरी में है ना, पूर्ण माइंड से एकदम एग्जाम देना है, समझ गए। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम हॉल में पहुंचते ही उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब कि टेंशन और नर्वस हो जाता है, लोग जो आ रहा है क्वेश्चन उसको भी नहीं कर पाता लोग, सही है ना। कि बहुत बच्चे डर जाता है, वहां डरना नहीं है, आप जाइए कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग ब्लॉग में बने रहे। जय हिंद, जय भारत।